सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम खेती के क्षेत्र में, साथ ही पशुपालन के क्षेत्र में जो भी बदलाव आते हैं, जो भी नए नए परिवर्तन होते हैं, उसकी जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। आज के इस कार्यक्रम में भी हम ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि धान की फसल को आप जड़ गांठ रोग से किस प्रकार बचा सकते हैं। उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार पशुपालन बेहतर ढंग से किया जाए ताकि दूध उत्पादन बढ़ सके। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, फसलों को कई तरह की बीमारियों से खतरा रहता है जिसकी रोकथाम किया जाना बेहद जरूरी है, जिससे आपको बेहतर गुणवत्ता वाला उत्पादन हासिल हो सके। जड़गांठ रोग भी एक ऐसा रोग है जिससे धान की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसल को होता है। कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार आप अपनी धान की फसल को इस रोग से बचा सकते हैं, किस प्रकार आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो आइए हमारे विशेषज्ञ से इसी से जुड़ी कुछ खास बातों की जानकारी हासिल करते हैं। आज का जो चर्चा का विषय है वो है जड़ गांठ रोग, जो कि धान के फसल में देखा गया है, उसका हम प्रबंधन कैसे करें। ये धान एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और ये फसल, इसमें कई सारे पीड़क होते हैं, कई सारे बीमारियां होती हैं और यहाँ तक कि इसमें जो जड़ गांठ सूत्रकृमि है, जड़ गांठ रोग पैदा करता है, कि ये जो जड़ गांठ रोग है इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। ये करीबन 10-50% की हानि पहुँचा देता है और इसे, जहाँ तक आप देखेंगे कि इसका जो फैलाव है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर भारत या दक्षिणी भारत या पूर्वोत्तर भारत तक ही पाया जाता है। मतलब कि आप जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि आप ये देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य जितने आसाम हैं और पश्चिम बंगाल है, यहाँ तक कि बिहार, फिर जो उत्तर प्रदेश है उसमें भी पाया गया, मध्य प्रदेश में भी पाया गया। और हमने शोध के तरीके से हमने ये भी जाना है कि हम इसकी रोकथाम किस तरीके से करें। जब हम बात करें अपने जो इसके लक्षण जो होते हैं, इससे लक्षण जो बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है वो है जड़ गांठ। जैसा कि इसके नाम से पता लगता है कि जड़ गांठ एक प्रमुख रोग है। किसान भाई अगर जब भी अपने खेत में जाएंगे तो वो जरूर देखते हैं कि पीलापन, पूरे खेत में एक पीलापन आया है। और अगर वो पीलापन अगर आ गया है तो वो ये समझते हैं कि वो नाइट्रोजन की कमी से, मतलब नाइट्रोजन की कमी से है। वो बात करते हैं भाई केवीके के जो वैज्ञानिक हैं उनसे जाके बात करते हैं, तो वो आके बताते हैं जी आप नाइट्रोजन का छिड़काव, यूरिया का छिड़काव कर दें। तो ये हो जाता है कि ब्लाइंड एप्लीकेशन करना। लेकिन जहाँ तक आप जब बात करते हैं कि ये क्यों है, क्या कारण है, ये भी हो सकता है कि सूक्ष्म जो तत्व हैं, मतलब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनसे भी, उनकी कमी से भी ये लक्षण नजर आते हैं। लेकिन जब मैं आपको अगर ये चीज बताऊं कि आप एक पौधा जो पीला पौधा है उसको जरूर आप उखाड़ के देखें, जब आप उखाड़ के देखेंगे अगर उसमें जड़ गांठ है, गांठें अगर आप देखेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि जो हमारा सूत्रकृमि है वो इसमें जरूर है, बैठा है। इसका मतलब कि ये मादाएं, इसमें कई सारी मादाएं होती हैं जो अंडे पैदा करती हैं। और ये जो लक्षण है, ये लक्षण और भी अगर प्रकोप इसका ज्यादा है तो ये लक्षण इतने गहरे हो जाते हैं कि मतलब धब्बे दिखाई देते हैं खेतों में, पीले धब्बे दिखाई दिए। आपको जो पौधे हैं वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं, उसकी बालियां जो हैं कम हो जाती हैं। जब बालियां कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपका ये क्या होगा कि जो यील्ड है, जो आपकी उत्पादन क्षमता है उस धान की, वो नहीं पूरी होगी। अगर धान की क्षमता कम हो गई, इसका मतलब आपकी यील्ड कम आई। तो किसान भाई ये सोचते हैं कि ये नाइट्रोजन की कमी के कारण है या किसी चीज के कारण है, लेकिन आप ये गांठ मान लीजिए कि ये जड़ गांठ रोग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका निदान करना बहुत अति आवश्यक है।
ये हो गई बात लक्षण की। जब हम बात करते हैं कि इसके जीवन चक्र, ये क्या करता है कि एक छोटे छोटे डिम्बक होते हैं, लार्वी जिनको हम लोग कहते हैं, वो J2 स्टेज होता है, जो द्वितीय स्तरीय जो होता है, वो आपके जड़ों में घुसता है, उसमें जो जड़ गांठ पैदा करता है, अगर वो जड़ गांठ पैदा करता है तो उसकी अलग अलग अवस्थाएं J2 से J3, J3 से J4, उसके बाद एडल्ट बन जाती है। ये एडल्ट मतलब वयस्क मादा जो बनती है वो घर बना लेती है उसमें, और जड़ें फूल जाती हैं, इसलिए वो गांठें पैदा होती हैं। जब गांठें पैदा हो जाती हैं तो क्या करती हैं, ये खाना खाने के बाद अंडे भी देने लगते हैं। तो एक मादा से लगभग 200 से 300 अंडे पैदा होते हैं, और ये अंडे जड़ों में ही रह जाते हैं। तो क्या होता है, किसान भाई उनको पता ही नहीं चलता कि ये जो जड़ें हैं क्यों मोटी हुई हैं, अगर मोटी भी हुई हैं तो इसमें क्या है। तो आज हम आपको बता देते हैं कि इसमें मादाएं होती हैं। और जब पूरे फसल चक्र की आप बात करें तो गेहूं धान दोनों में ये नेमेटोड पाया जाता है सूत्रकृमि। अगर ये दोनों में पाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो जनरेशन है, चार जनरेशन कंप्लीट होती है एक में। अगर चार जनरेशन कंप्लीट होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा का पूरा क्षेत्र उससे नेमेटोड से प्रभावित हो सकता है। इसका मतलब एक से 200 अंडे, 200 से 200 अगर आप गुना करते चले जाएंगे तो करीबन आपके पास एक मादा से 600 लाख अंडे पैदा होंगे एक जनरेशन में। मतलब कि पूरे धान की फसल जब कटाई हो जाती है तो आपके पास 600 लाख अंडे आएंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि उससे कितनी बड़ी हानि हो सकती है आपके खेत में। अब हम इसके प्रबंधन की बात करें तो आज जो अभी जो अवस्था है पौधे की, जो इस समय देखा जाए तो अभी बालियां आने लगी हैं, कुछ क्षेत्रों में बालियां आ चुकी हैं, और अगर वो वीले पौधे हैं भी तो आप उसे उखाड़ के देख लें, अगर जड़ गांठ है तो उसमें कार्बोफिरॉन जो एक दवाई है, वो लाल दवा के नाम से दानेदार होती है, कार्बोफिरॉन 3G फुरानान के नाम से आती है, उसका छिड़काव करीब 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको करें। इसका मतलब ये हुआ कि 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसको डालें। तो ये तो बात हुई कि दवाई डालने की, लेकिन आप ये जरूर ध्यान दें कि खरपतवार नियंत्रण का बहुत जरूरी, क्योंकि खरपतवार अगर नियंत्रण नहीं करेंगे तो उसको आपके लिए बड़ी परेशानी होनी है। क्योंकि ये जितने भी खरपतवार जो कि गेहूं और धान में होते हैं उसमें भी पाया जाता है, उसमें भी मल्टीप्लाई करता है, उसमें भी जनरेशन तैयार होती है। तो इसका मतलब ये हुआ खरपतवार अगर दिख रहे हैं तो उनको जरूर निकाल के उसको जला दें या नष्ट कर दें। अगर हम ये बात ये कहते हैं तो इसका मतलब निराई गुड़ाई सही समय पे, पानी, मतलब पानी अगर भरा रहेगा खेतों में तो ये इसके निजात आ पा सकते हैं। मतलब अगर आपने कभी सुखा दिया खेत, फिर कभी पानी भर दिया, फिर सुखा दिया, फिर पानी भर दिया, तो ये अति आवश्यक है कि आप उसमें पानी, मतलब इसको जलमग्न रखने, धान की जहाँ सूखा वहां पर ये पनपने लगता है, और जहां तक बलुई दोमट मिट्टी जो होती है उसमें ये ज्यादा पनपता है। अगर क्ले सॉइल है जो कि आपकी धान की एक्चुअल जो मिट्टी होती है उसमें ये कम होता है बनस्पत की बलुई दोमट में। अगर हम और भी बात करें तो अगर जैविक खाद अगर आपको कहीं से मिलती है, किसी भी आपके जैसे KVK के कुछ वैज्ञानिक हैं या कहीं भी कोई रिकमेंड करता है आपको, तो उसका उपयोग जरूर करें। चाहे वो ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, सीडोमोनास है, कोई भी फॉर्मुलेशन आप उसका उसी दर से लगाएं जो आपको समझाया गया। हाँ, जब जैविक खाद की बात करते हैं तो उसमें जरूर ये है कि जैविक खाद जब हम डालते हैं उसको पहले खाद में मिक्स करके, गोबर की खाद में मिक्स कर लेते हैं, 15 दिन तक छोड़ देते हैं, उसके बाद उसे डाल देते हैं। ये उसी में दर, वो जो फॉर्मुलेशन आप लेंगे वो उसी दर से आप उसे डाल देंगे। अब हम बात करते हैं कि ये तो अवस्था जो अभी है, लेकिन आगे चल के किसान भाई को हम जरूर बताना चाहेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए आप एक जरूर गांठ बांध दीजिए अपने मन में कि ये जो
रुपाई करते हैं, जब दान की पौध तैयार करते हैं, उसी समय इस सूत्रकृमि को रोकने की चेष्टा करें। हालांकि अब ये गेहूं लगाएंगे या दूसरी फसल लगाएंगे, फिर धान की फसल लगाएंगे, तो उसमें जरूर ध्यान रखिए कि आप जो नर्सरी की रुपाई करने से पहले उस नर्सरी की मतलब पौध जो है वो उसमें गांठे नहीं होनी चाहिए, उसमें भी ये छिड़काव कर सकते हैं। ये जो कार्बोफिरॉन जो दवा बताई है उसमें आप कर सकते हैं। तो अभी आपने हमारे विशेषज्ञ से जानकारी हासिल की कि किस प्रकार आप अपनी धान की फसल को जड़गांठ रोग से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं और इसका बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार आप पशुपालन को बेहतर ढंग से करें ताकि आपका दूध उत्पादन बढ़ सके।